ओके चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 12 एसी करंट चैप्टर का एडिशनल एक्सरसाइज राइट। चलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में और लेंथी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आई विल ट्राई कि उसको जितना बने उतना इजी करा जाए आपके लिए, ताकि आप एक ही बार में इसको इजीली समझ लो और याद भी कर लो। ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिए। चलिए तो एडिशनल एक्सरसाइज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एन एलसी सर्किट है, खाली आर नहीं है, कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल क्या होता है भाई, एल, दैट इज 20 मिली, मिली इज 10^-3 हेनरी, एंड 50 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर। चलिए कैपेसिटर सी क्या लिखते हैं हम, 50 माइक्रो, माइक्रो इज 10^-6 फेराडे। चलिए पूछा क्या है भाई देखते हैं। ओके विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम, तो कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली चार्ज दिया होगा, कैपेसिटर पहले से चार्ज है और उसका चार्ज है 10 मिली कूलम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, ओके लेट्स राइट इट कैपिटल क्यू, दैट इज 10 मिली कूलम, मिली इज 10^-3 कूलम। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिएबल, सर्किट को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आपका एलसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है भाई, ये एलसी सर्किट है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब भी कंसिडर के कोई एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओके लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज एट इज टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो समय के ऊपर आपने एल और सी को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। चलिए ये पूछा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन। तो चलिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, पहले सवाल का जवाब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, तो इनिशियली सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी बिकॉज कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज राइट। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली राइट, कहाँ पे होगी सारी एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली ऑल एनर्जी इज इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट। और आपको पता ही है कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कितना होता है भाई, Q²/2C। चलो Q का वैल्यू है आपके पास 10^-3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपेसिटेंस है 50×10^-6। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 जूल। तो स्टार्टिंग में एनर्जी कितना है भाई, 1 जूल है। चलिए ये एनर्जी कंजर्व होगी, यस, बिकॉज सर्किट में रेजिस्टेंस कोई दिया नहीं है। और हमने एक और चीज़ सीखा था कि एलसी ऑसिलेशन में चार्ज ऑसिलेट होता है तो एनर्जी रेडिएट होता है राइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट वो चीज़ को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम खाली कंसिडर करेंगे कि रेजिस्टेंस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं होगा एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर, सेकंड पूछा है व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। चलिए एलसी ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज 1/√LC। यू हैव बोथ द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ एल इज 20×10^-3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 50×10^-6। चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे राइट फाइन, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10^3। कितना आएगा ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे, 10^3 आएगा रेडियन पर सेकंड, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर आपको एफ चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2π f, सिंपल फॉर्मूला। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाई 2π, ओमेगा 0 है 10^3 डिवाइड बाई 2 × π। चलो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 159.2 हर्ट्ज राइट, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। चलिए और क्या पूछा गया है देखते हैं। तो और आपको पूछा गया है एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड, फर्स्ट इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल, मतलब सारी एनर्जी कैपेसिटर में कब होगी, और ये पूछा है कि व्हेन ऑल द एनर्जी इज कम्प्लीटली मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी मतलब इट इज इन इंडक्टर राइट। चलिए फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड वन, एट व्हाट टाइम एनर्जी इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कम्प्लीटली मैग्नेटिक राइट। चलिए कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब होगी जब आपका चार्ज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा राइट, बिकॉज चार्ज जब कैपेसिटर के ऊपर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, है कि नहीं,
करेगा ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे एलसी सर्किट का, क्यू इक्वल टू क्यू जीरो। याद करो एलसी सर्किट क्यू इक्वल टू क्यू जीरो कॉस के अकॉर्डिंग वेरी होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका चार्ज मैक्सिमम है और कॉस फंक्शन स्टार्टिंग में मैक्सिमम से शुरू होता है, राइट। सो इट इज कॉस ओमेगा टी, राइट। चलिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल हो, मतलब जो चार्ज स्टोर होगा वो सारा का सारा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो आई कैन सी हियर फॉर ऑल एनर्जी इन इंडक्टर, सॉरी फॉर ऑल एनर्जी इन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का आपका चार्ज है ना बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दिस क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू जीरो, राइट। क्या लिखेंगे बच्चों हम, दिस क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू जीरो, ओके। क्यू कैसा होगा भाई, क्यू जीरो जितना होना चाहिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाइए बच्चों, वी विल राइट हियर इंस्टेड ऑफ क्यू वी विल राइट क्यू जीरो इज इक्वल टू क्यू जीरो कॉस ओमेगा टी। चलिए इसको हम कट कर देंगे, तो ये हो गया आपका वन इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। चलिए बच्चों कॉस का वैल्यू वन कहाँ पे होता है, कॉस का वैल्यू वन होता है जीरो के ऊपर। कहाँ पे होता है कॉस का वैल्यू वन, जीरो के ऊपर होता है। फिर वापस आप घूम के जाओगे तो पाई के ऊपर भी कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, दैट इज माइनस वन। फिर वापस टू पाई पे आओ तो वन, थ्री पाई पे माइनस वन, वन माइनस वन। तो ये आपका जो ओमेगा टी का वैल्यू होगा ना बच्चों, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ पाई। ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इट इज एनी मल्टीपल ऑफ द पाई एंड दैट इज एन पाई इज इक्वल टू ओमेगा, रखो बच्चों टू पाई बाई टी। चलिए टी टी आप कट, पाई पाई आप कट कर लोगे तो आपको जो टाइम चाहिए ना, दिस टाइम इज इक्वल टू एन इंटू टी बाई टू, एन इंटू टी बाई टू। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका टाइम कितना होगा, अगर एन का वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो, एन का वैल्यू वन रखोगे तो टी बाई टू, एन का वैल्यू टू रखोगे तो टी, एन का वैल्यू थ्री रखोगे तो थ्री टी बाई टू। मतलब ये सारे टाइम के ऊपर ऑल एनर्जी इज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म, ऑल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल, राइट। अब इसी तरह से आपको ये पूछा है कि सारी एनर्जी मैग्नेटिक कब होगी, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा ना, वहाँ पे सारी एनर्जी आपकी एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड में होगी। आप करंट से आप उसको कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फॉर ऑल एनर्जी टू बी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब सारी एनर्जी किस में होगी भाई, इंडक्टर में होगी। और इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, मतलब करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेरिवेट करोगे बच्चों आप, तो आपका जो करंट का फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह बनेगा, आई इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। करंट कैसा बनेगा, आई इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब आपका करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, राइट। व्हेन यू विल सॉल्व दिस आई इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपका टाइम का वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच का टाइम ले लो, टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फाइव टी बाई फोर एंड सो ऑन। इन सारे टाइम के ऊपर आपकी जो सारी एनर्जी है ना वो कैसी होगी, मैग्नेटिक होगी। एट ऑल दिस टाइम ऑल एनर्जी इज मैग्नेटिक, राइट। तो हर हाफ पीरियड के बाद आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा, हर हाफ पीरियड के बाद एनर्जी कैसा हो रहा है बच्चों, चेंज होने वाला है, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चौथा भी इसके अंदर पूछा गया है, क्या पूछा है, एट वॉट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली, एट वॉट टाइम द टोटल एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। चलिए अब इसके लिए हमें थोड़ा टाइम जगह चाहिए होगा, तो इतना पहले फटाफट कॉपी करिए, फिर देखते हैं कि इक्वल इक्वल एनर्जी शेयर कब होगा। चलिए एट वॉट टाइम बोथ विल शेयर इक्वल एनर्जी, तो जब दोनों इक्वल इक्वल एनर्जी शेयर करेंगे तो कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी का आधा एनर्जी रहेगा, इंडक्टर के पास भी टोटल एनर्जी का आधा एनर्जी रहेगा, राइट। तो ये लॉजिक हम यूज करने वाले हैं, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि एट वॉट टाइम कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव सेम एनर्जी, तो जब दोनों सेम एनर्जी शेयर करेंगे तो वी कैन राइट हियर एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ देन मैक्सिमम एनर्जी ऑन कैपेसिटर, राइट। जो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी होता है स्टार्टिंग में, राइट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कैपेसिटर को चार्ज करके रखा था ना, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी जो हमने पहले ही देखा, राइट। सारी एनर्जी कहाँ पे थी, कैपेसिटर के पास थी जो हमने पहले ही देखा, राइट। चलिए तो उसका अभी कैपेसिटर के पास आधा ही एनर्जी बचा होगा, कितना एनर्जी होगा अभी कैपेसिटर के पास उसका बच्चों, आधा ही एनर्जी होने वाला है, ओके ओके। तो एनर्जी इन कैपेसिटर यू कैन राइट दिस इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दैट इज इक्वल टू हाफ इन टू,
राइट, स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम एनर्जी था कैपेसिटर में उसके तो उसके पास चार्ज भी कैसा था, मैक्सिमम था, एंड दिस वॉज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, लेट्स कॉल इट क्यू जीरो, जो स्टार्टिंग में आपने चार्ज रखा था वो, राइट. तो अब ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू क्यू जीरो स्क्वायर बाई टू सी, राइट. तो जब आधी आधी एनर्जी शेयर होगी तब अगर कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है तो दैट एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल टू हाफ, देन स्टार्टिंग में जो टोटल एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर करके रखा था दैट इज क्यू जीरो स्क्वायर बाई टू सी, राइट. चलिए क्या करेंगे, टू सी कट कर देंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा बच्चा लोग वन बाई रूट टू इंटू क्यू जीरो. क्यू का फॉर्मूला ये रहा, दैट इज क्यू जीरो कॉस ओमेगा टी, राइट, फॉर्मूला ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर. चलिए क्यू जीरो भी करेंगे कट. चलिए कॉस का वैल्यू वन बाई रूट टू कहाँ पर आता है बच्चों, पाई बाई फोर के ऊपर, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर. ओमेगा टी कितना होगा भाई, पाई बाई फोर होगा, राइट. चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, सो व्हाट वी कैन राइट, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर. पाई पाई कट करेंगे तो टाइम आ गया आपका टी बाई एट, राइट. तो खाली टी बाई एट टाइम नहीं होगा क्योंकि हर आधे पीरियड के बाद एनर्जी वापस रिवाइज हो रहा है, तो आप इसके अंदर भी आधा आधा पीरियड ऐड करते जाओ, राइट. तो आपको एक ही आंसर नहीं मिलने वाला है, आपको एक से ज़्यादा आंसर मिलने वाले हैं. तो एक आ गया आपका टी बाई एट, इसके अंदर टी बाई टू आप ऐड करो. जैसे आप इसके अंदर टी बाई टू ऐड करोगे आपका हो जाएगा फाइव टी बाई एट. वापस आप ऐड करो आधा टाइम पीरियड टी बाई टू, आपका आंसर आएगा नाइन टी बाई एट. तो ये सारे टाइम के ऊपर कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर सेम एनर्जी होगी, राइट. दोनों सेम एनर्जी शेयर करने वाले हैं इन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, राइट. ओके, तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, ये जीरो, फिर ये हो गया आपका टी बाई टू, ये हो गया आपका टी. देखो कैसे याद रखना है इसको वो. ओके, तो यहाँ पे सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, यहाँ भी आधे पीरियड के बाद सब कुछ कैपेसिटर में है, यहाँ भी सब कुछ कैपेसिटर में है. अब इन दोनों का जो बीच का टाइम होगा ना, दैट इज टी बाई फोर, यहाँ पे आएगा थ्री टी बाई फोर. यहाँ पे सारी एनर्जी इंडक्टर में है, यहाँ भी सारी एनर्जी इंडक्टर में है. इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा ना, दैट इज टी बाई एट, इधर जाओगे तो फाइव टी बाई एट, लाइक दैट. यहाँ पे दोनों के पास सेम एनर्जी होगा, यहाँ भी आपका आएगा नाइन टी बाई एट, राइट. ओके, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, एंड देर विल बी सेम एनर्जी ऑन कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर, राइट. ओके, यहाँ पर बीच में कुछ वैल्यूज में खा गया हूँ, दैट इज थ्री टी बाई एट, फाइव टी बाई एट, देन सेवन टी बाई एट. ये आपका जो है ना वो थ्री टी बाई एट आएगा, ये आएगा बच्चों आपका फाइव टी बाई एट, यहाँ पर आएगा आपका सेवन टी बाई एट, और ये सब टाइम के लिए एल और सी के पास सेम एनर्जी है. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ऐसे आप याद रख सकते हो एल सी ऑसिलेशन के लिए एनर्जी किस तरह से वेरी होता है वो. चलिए कॉपी कर लेंगे क्विकली इसको, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. चलिए अब इसी के अंदर चौथा क्वेश्चन है, ये भी पूछा है, इफ अ रेसिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज अ हीट. सो अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, जितनी भी बार रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा, हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी डिसिपेटेड फॉर श्योर, राइट. क्योंकि रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर जितना हीट एनर्जी डिसिपेट होने वाला है, तो इवेंचुअली धीरे 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 करके सारा ही एनर्जी लॉस हो जाएगा, जो चार्ज का ऑसिलेशन है वो डैम्प हो जाएगा, और फाइनली वो ऑसिलेशन बंद हो जाएगा बिकॉज सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा इफ़ यू आर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस. तो आप इसका आंसर खुद लिख दोगे कि विद बाई कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इवेंचुअली ऑल द एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जाम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन है. चलिए, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई. चलिए, तो आपको दिया हुआ है एक इंडक्टर 0.50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस 100 ओम, इट इज कनेक्टेड टू द आरएमएस वैल्यू ऑलवेज दिया होता है आपको एसी का 240 वोल्ट, एंड the frequency is given as 50 hertz, right. आपको जो value दिया होता है voltage का वो RMS value होता है, मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है. चलिए आपको find करना है what is the maximum current in the coil. Okay, let's find it out. What is the maximum current in coil? चलिए बहुत easily find हो जाएगा ये, तो आपको चाहिए maximum current. तो maximum current होता है बच्चों maximum voltage divided by impedance Z. ओम्स लॉ जैसा फॉर्मूला, राइट, आई इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पे आपको आर की जगह लिखना पड़ता है जेड, ठीक है. चलिए, वीएम कितना लिखेंगे, आपको तो वीआरएमएस दिया हुआ है, तो वीआरएमएस दिया है तो वीएम कितना होता है बच्चों, रूट टू इंटू वीआरएमएस, पता होगा आपको ये फॉर्मूला. वीआरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम बाई रूट टू, तो मैक्सिमम इज रूट टू इंटू वीआरएमएस डिवाइड बाई जेड. चलिए, आपके सर्किट में खाली है एल एन आर,
कैपेसिटेंस नहीं है तो आपका इंपीडेंस खाली रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सी वाला टर्म नहीं है तो उसको लिखना भी नहीं है। चलिए दैट इज रूट टू इंटू वी आर एम एस का वैल्यू है 240 अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस है आपका 100 का। एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ इज 50 इंटू एल है आपका 0.5। समझ गए मैंने क्या किया, वो मैंने एक्सएल की जगह लिखा है ओमेगा इंटू एल एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल, वो यहाँ पे हमने सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है चलिए बच्चों, आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका मैक्सिमम करंट आएगा 1.824 एम्पियर। कितना आना है बच्चों, आपका मैक्सिमम करंट आएगा 1.824 एम्पियर। ठीक है तो हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया कोई भी अलग चीज़ फाइंड किए बिना। अभी सेकंड क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। चलिए टाइम लैग पूछा है, टाइम लैग मतलब वो फेस डिफरेंस। चलिए टाइम लैग, तो इसके लिए पहले फाइंड करते हैं फेज लैग कितना हो रहा है, फेस लैग कितना हो रहा है पहले वो फाइंड करते हैं और फिर उस फेस डिफरेंस को आप बहुत इजीली टाइम डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले फाइंड करेंगे फेस डिफरेंस और यू कैन से फेस लैग बिकॉज उसका हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों टेन फाइव। टेन फाइव होता है आपका एक्सएल माइनस एक्सी बाई सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, राइट ऐसा आपका फॉर्मूला होता है। ओके टाइम फेस डिफरेंस का एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, यहाँ पे एक्सी तो है ही नहीं, कैपेसिटेंस तो है ही नहीं सर्किट में, तो बचना कितना है आपका माइनस एक्सएल बाई आर। चलिए एक्सएल की जगह लिखेंगे बच्चों 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है आपका 100। तो इसको सॉल्व करने पे आपका टेन फाई का वैल्यू मैं बता देता हूँ भाई, टेन फाई का वैल्यू आपका आने वाला है हाँ मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके लेट्स फाइंड इट आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फाई। चलो लेट्स सी, इट इज 157 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1.57 माइनस साइन के साथ, राइट तो 10.5 इज माइनस 1.57। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस माइनस 1.57 से जुड़ा हुआ आपको निकालना पड़ेगा एंगल, राइट क्या निकालना पड़ेगा आपको, इससे जुड़ा हुआ एंगल निकालना पड़ेगा और ये एंगल आप फाइंड करोगे ना तो आपका एंगल आने वाला है 57.5 डिग्री माइनस साइन के साथ फाइव। अब ये आपका फेस डिफरेंस है, आपको चाहिए टाइम डिफरेंस, हो जाएगा बहुत सिंपल है, कोई डरने का काम नहीं है, राइट हम क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपल सा लिखेंगे कि अगर पूरा एंगल 2 पाई होता है ना, पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, राइट तो आपका फेस डिफरेंस आप लिखोगे फाइव, राइट ओके। और जब पूरा आपका एक 2 पाई जितना आपका जब एंगल घूम जाएगा तो आप कहोगे कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो तब आपका जो टाइम डिफरेंस है यू कैन कॉल इट एज डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लोग टी बाई 2 पाई इंटू फाइव, क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका टी बाई 2 पाई इंटू फाइव, क्या हो गया ये टी बाई 2 पाई इंटू फाइव। देखो मैंने क्या किया, जब 2 पाई एंगल होगा पूरा तो फेस डिफरेंस कितना होगा फाइव जितना, राइट ओके। तो जब आपका टाइम कैपिटल टी जितना होगा बिकॉज 2 पाई का मतलब एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर मतलब एक पूरा टाइम पीरियड, तो वहाँ पे आपका टाइम का डिफरेंस कितना निकलेगा दैट इज टी बाई 2 पाई इंटू फाइव, टी बाई 2 पाई इंटू फाइव। चलिए अब आपको फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज दिस टी बाई 2 पाई, तो दिस टी बाई 2 पाई इज नथिंग बट ओमेगा। टी बाई 2 पाई क्या है भाई, टी बाई 2 पाई इज ओमेगा बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो ये टी बाई 2 पाई और कुछ नहीं है, ये है आपका क्या है, ये आपका 1 बाई ओमेगा इंटू फाइव, राइट टी बाई 2 पाई इज 1 बाई ओमेगा इंटू फाइव। चलिए ओमेगा का वैल्यू है आपके पास तो देखो कहीं पे आपको मिला होगा, ये रा फ्रीक्वेंसी है ना आपके पास, ओके तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज 5 डिवाइड बाई ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज 2 पाई एफ। आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है चलिए लेट्स सी आगे सॉल्व करते हैं इसको। फाइव कितना है आपका, फाइव है आपका 57.5 डिग्री, माइनस साइन नहीं रखोगे तो चलेगा, हम लास्ट में लिख देंगे कि भाई करंट लैग कर रहा है, वैसे भी इंडक्टर है सर्किट में करंट लैग करने वाला है तो हम लास्ट में ऐड कर देंगे करंट इज लैगिंग इन द सर्किट, ओके द लास्ट का हमारा काम है। चलिए बढ़िया डिग्री में है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू रेडियन, क्यों रेडियन, बिकॉज आपका जो ओमेगा है ना वो रेडियन में होता है, ओमेगा किस में होता है भाई आपका रेडियन में होता है, तो आपको इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फाई को, तो आपको यहाँ पे क्या करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 रेडियन, क्या किया हमने पाई बाई 180 रेडियन बिकॉज मुझे ये फाई किस में रखना पड़ेगा रेडियन में, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 50 है। चलो बच्चों आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना, ओके इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे लेट मी टेल यू आपका आंसर आ जाएगा 3.19 इंटू 10 पावर माइनस 3,
सेकंड, ये हो गया आपका टाइम डिफरेंस। क्या हो गया भाई आपका? टाइम डिफरेंस हो जाता है, दिस इज योर टाइम डिफरेंस, राइट। तो अब यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कौन आगे है कौन पीछे है, बिकॉज सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है। तो इंडक्टर होता है तो करंट लैग करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय दिस टाइम। मतलब पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर इतने टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स, अगर ये नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क काट देंगे, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, राइट। तो वापस एक बार मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा मैंने क्या किया है कैसे किया है। इसमें आपको फाइंड करना है टाइम लैग कितना है। तो टाइम लैग का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास फेस लैग या फेस डिफरेंस का फॉर्मूला है। हम वही यूज़ करेंगे, फेस डिफरेंस टेन फाई, दैट इज़ एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। कैपेसिटर तो है नहीं, तो एक्स सी को निकाल दो, बचा माइन एक्सएल बाई आर। एक्सएल होगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज टू पाई एफ, एल जो दिया है वो रख दो, डिवाइड बाई आर। तो ये आपका आ गया टेन फाई। इसका टेबल में आप वैल्यू देख लो, वैल्यू आएगा आपका माइनस 57.5। ये आपका फेस डिफरेंस है, आपको जाना है टाइम डिफरेंस में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर एंगल 2 पाई है तो उसके रिलेटेड फेस डिफरेंस आपका फाई है, राइट। अगर एंगल आपका 2 पाई रेडियन है, ये रेडियन है, ये क्या है भाई आपका एंगल रेडियन है, या यहाँ पे आप डायरेक्ट 360 डिग्री भी रख सकते हो तो भी आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, इफ़ यू पुट इट दैट 360 डिग्री। बट हमने यहाँ पे रेडियन में रखा है। तो अगर आपका पूरा एक चक्कर काटते हो आप सर्कल में, तो पूरे एक चक्कर का एंगल होता है 2 पाई रेडियन, तो उस पर्टिकुलर चक्कर में आपका फेस का डिफरेंस है पाई रेडियन जितना। कितना है फेस का डिफरेंस? 5 रेडियन जितना। तो जब एक चक्कर काटोगे तो टाइम कितना चाहिए उसके लिए? कैपिटल टी जितना, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो टाइम डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा टी। वापस एक बार, अगर पूरा सर्कल है तो एंगल 2 पाई, उसके लिए फेस डिफरेंस का एंगल के फॉर्म में है 5 रेडियन। तो एक पूरा चक्कर टाइम में होता है कैपिटल टी, तो उसके लिए टाइम डिफरेंस आएगा डेल्टा टी, दैट इज टी बाई 2 पाई इंटू 5 रेडियन। टी बाई 2 पाई इंटू 5 रेडियन, टी बाई 2 पाई इज नथिंग, टी बाई 2 पाई इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा, राइट। और ओमेगा की जगह आप रखो 2 पाई एफ, और फिर आप सिंप्लीफाई करो। ध्यान रखना यहाँ पे आपको phi को रेडियन में रखना पड़ेगा या डिग्री में है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू रेडियन। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन आगे कौन पीछे, कितने टाइम से कितने एंगल से। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा सब लोग, राइट। चलिए कॉपी करिए सब लोग क्विकली इसको। आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस रेडियन में होना चाहिए। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम डिफरेंस पूछा है तो। दैट इज 2 पाई बाई टी इनटू फेस डिफरेंस इन रेडियन, आपको डायरेक्ट टाइम डिफरेंस भी मिल सकता है। चलिए चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एंड द क्वेश्चन इज ऑब्टेन द आंसर्स ऑफ ए एंड बी इन द क्वेश्चन नंबर 13। ए एंड बी मतलब आपने जो आगे किया, आपको मैक्सिमम करंट निकालना है और टाइम डिफरेंस निकालना है। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई 240 वोल्ट एंड 10 kilohertz फ्रीक्वेंसी, ओके, हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो आपको आगे वाला ही क्वेश्चन करना है, सेम टू सेम इन सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपका इंडक्टर था 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस था आपका 100 ओम। अभी आपको सप्लाई वोल्टेज जो है ना वो लेना है 240 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी खतरनाक लेना है आपको 10 kilohertz। 10 kilohertz मतलब फ्रीक्वेंसी लेना है आपको 10,000 hertz। तो होगा क्या, जब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इंडक्टर करंट को जाने नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब करंट जो है ना वो बहुत ही रैपिडली वेरी हो रहा है, बहुत रैपिडली। तो इतना ज़्यादा रैपिडली जब करंट वेरी होगा तो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है। मतलब इंड्यूस ईएमएफ इतना क्विकली जनरेट होगा, इतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा कि वो एक्सटर्नल करंट को आने ही नहीं देगा, राइट। ओके, तो चलिए बच्चों इसके आंसर हम निकालते हैं, फाइन। ओके, सो लेट्स फाइंड द मैक्सिमम करंट जो हमने आगे किया, तो दैट इज वीएम बाई जेड, राइट। वी एम क्या होगा बच्चों, वी आर एम एस इंटू रूट टू, मैंने आगे ही लिखा है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। जेड हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सएल, एक्सएल क्या होगा आपका 2 पाई एफ इंटू एल, है ना। एक्सएल की जगह लिखेंगे ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ। चलिए वी आर एम एस है आपका 240 इंटू रूट टू, आर का वैल्यू दिया है बच्चा आपको 100, अब फ्रीक्वेंसी खतरनाक दिया है 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है कितना आपका 10,000, ओके, इंटू इंडक्टेंस है 0.5, उसका स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, विल यू मी और नॉट, आपका आंसर बहुत ही कम आने वाला है, दैट इज 0.00764।
एम्पियर। देखो कितना कम करंट आया, मतलब करंट ऑलमोस्ट फ्लो ही नहीं हो रहा है, 0.00, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना आपका, यू कैन राइट हियर, एट वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यू कैन से जो आपका एक्सएल वाला टर्म होता है ना, ओमेगा इंटू एल इज वेरी लार्ज। ओके, ये एक्सएल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो करंट को इतना अपोज करेगा कि करंट को आने ही नहीं देगा, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, राइट, एंड करंट इज नियरली जीरो, एंड करंट इन सर्किट इज नियरली जीरो, करंट इन सर्किट इज नियरली जीरो, मतलब करंट आ ही नहीं रहा है, सो वी कैन से इट्स एन ओपन सर्किट, इट्स लाइक ओपन सर्किट कंडीशन, राइट। तो जब इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा ना, तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट कंडीशन, बिकॉज इंडक्टर का रिएक्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो करंट को आने ही नहीं देगा, राइट। चलिए अभी इसमें आपको ये भी पूछा है, व्हाट इज दैट फेस डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, सो वी कैन इजीली राइट टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई ओमेगा एक्सएल, सॉरी एक्सएल बाई आर, एक्सएल की जगह रखेंगे 2πf, खतरनाक, एक्सएल की जगह रखेंगे 2πf इंटू एल का वैल्यू है 0.5, रेजिस्टेंस है आपका 100, कट 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 कट, चलो इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 100π, तो 10π इज इक्वल टू 100π, 10π कितना है, 100π है, तो यहाँ से आप एंगल ना निकालो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन जस्ट कीप इट लाइक 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 100π, बिकॉज ये एंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एंगल आएगा, 100π कितना ज़्यादा होता है रेडियन में, तो यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस 10π, और यहाँ से आपको अगर टाइम डिफरेंस निकालना है तो हमने जैसे आगे लिखा था मैं ऐसा ही लिखूंगा 2π बाई ओमेगा, सॉरी दिस इज 2t/2π इंटू द फेस डिफरेंस, राइट। तो आप ऐसे करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, दैट इज t/2π इंटू 10 इनवर्स ऑफ 100π, यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये होगा आपका टाइम का डिफरेंस, इज द टाइम डिफरेंस। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे मसाला मार के दिया हुआ है कि अगर ये डीसी करंट हुआ, एसी की जगह अगर डीसी करंट हुआ तो क्या होगा, अगर डीसी करंट हुआ तो वो तो वेरी होना नहीं है, तो उसका तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगा, तो देखते हैं क्या करना है, फॉर डीसी करंट वो तो वेरी होना नहीं है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जीरो होगा, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंडक्टर का कोई रोल रहने वाला ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका इंडक्टर कुछ बिहेवियर नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यहाँ पे इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ये सर्किट जो है ना वो प्योरली कैसा रहेगा बच्चों, रेजिस्टिव रहने वाला है, यहाँ पे कोई इंडक्टेंस का काम नहीं पड़ेगा, बिकॉज द सर्किट इज डीसी, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है। चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको। चलिए फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन ऐसा कहता है कि 100 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज इन सीरीज विद अ 40 ओम रेजिस्टेंस, इज कनेक्टेड विद 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। चलिए तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिया है 100 माइक्रो इज 10^-6, 100 के साथ जोड़ दो 10^-4 हो जाएगा ये कैपेसिटेंस, राइट, एंड द रेजिस्टेंस इज 40 ओम। ओके, यू हैव द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 110 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन विच इज 60 हर्ट्ज। तो पहले आप यहाँ पे ओमेगा निकाल ही लो, आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ओमेगा इज 2πf, राइट, एंड दिस 2πf कितना आएगा, लेट मी टेल यू, दिस इज 2πf 2 × π इंटू एफ, ओके दिस वैल्यू इज 377 रेडियन पर सेकेंड। चलिए क्या फाइंड करना है आपको, देखते हैं आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। चलिए सेम क्वेश्चन है, आगे जैसा किया था, यहाँ पे खाली कैपेसिटर है, वहाँ पे इंडक्टर था। चलिए पहले फाइंड करेंगे मैक्सिमम करंट इन सर्किट, राइट। चलिए बच्चों मैक्सिमम करंट इन सर्किट, आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, वी मैक्सिमम बाई जेड, वी मैक्सिमम हो जाएगा आपका √2 × VRMS, मैं आगे ही लिख चुका हूँ, और जेड में यहाँ पे आपका रहने वाला है R² + XL, नहीं है अभी XC है, एक्सएल नहीं है अभी XC है, तो क्या होगा, XC का स्क्वायर होगा, इंडक्टर नहीं है ना आप, कैपेसिटर है। चलो दर इज √2 × RMS वैल्यू है 110 वोल्ट, ये रहा, √R का वैल्यू है 40, XC क्या होता है भाई, XC होता है आपका
1 बाई ओमेगा सी, बेसिक फॉर्मूलाज, एक्स सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज 1 बाई ओमेगा, ओमेगा इज 377 एंड द कैपेसिटेंस सी इज 10^-4, उसका आप करोगे स्क्वायर। चलिए बच्चा, आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा सर्किट में 3.24 एम्पीयर। आई होप कि आप ये सॉल्व तो कर पाओगे अपने आप से। सो करंट इन द सर्किट इज 3.24 एम्पीयर। कितना सर करंट है सर्किट में? 3.24 एम्पीयर। चलिए अब फाइंड करेंगे दूसरा, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट एंड द मैक्सिमम वोल्टेज। टाइम लैग पूछा है, चलिए सेम फॉर्मूला, पहले आपको फेस लैग फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करते बच्चा लोग फेस डिफरेंस। चलिए क्या फॉर्मूला है फेस डिफरेंस का? टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। अभी एक्सएल नहीं है। चलिए तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी होता है आपका 1 बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, दैट इज 1/377 इंटू 10^-4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 40। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना बच्चों, आपका टेन फाइव का वैल्यू आएगा 0.6628। टेन फाइव का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 0.6628। ओके, चलिए इसके रिलेटेड एंगल निकालेंगे ना, तो आपका एंगल आ जाएगा 33.5 डिग्री। फेस डिफरेंस कितना आया? 33.5 डिग्री। और कैपेसिटर में करंट आपका लीड करता है, करंट आगे होगा, राइट? ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक हमने तो थियरी में सीखा था वो। चलिए तो ये आ गया आपका फेस डिफरेंस। ओके, मैं फेस डिफरेंस को रेडियन कन्वर्ट कर लेता हूँ यहीं पे। अरे 33.5 पाई बाई 180 रेडियन। चलो मुन्ना, ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में। अभी आपको चाहिए टाइम डिफरेंस, तो मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बना के दिया हुआ है इसके एक न्यूमेरिकल आगे ही। तो आप लिखोगे बच्चों टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इक्वल टू टी बाई 2π इंटू इंटू फेस डिफरेंस इन रेडियन, टी बाई 2π इंटू फेस डिफरेंस इन रेडियन। चलिए टी बाई 2π को आप बहुत ही प्यार से लिख दोगे 1/ω। आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों दिमाग में डाल ही लेना, आपको काम आएगा। टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू फेस डिफरेंस बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू फेस डिफरेंस बाई एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। चलिए तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा कितना है आपका 377। इसका रेडियन वैल्यू ये रहा 33.5 इंटू पाई बाई 180। ओके चलो, जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर को काम पे लगाओगे आपको टाइम लैग मिलेगा 1.55 इंटू 10^-3 सेकंड। दिस इज द टाइम डिफरेंस। और यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर है, करंट यहाँ पे लीड करेगा, करंट का मैक्सिमम पहले आएगा उसके बाद वोल्टेज का मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे करंट बिकम मैक्सिमम 1.55 इंटू 10^-3 सेकेंड अर्लियर देन वोल्टेज बिकम मैक्सिमम, राइट? तो यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट छोटा सा लिख दूंगा ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। करंट लीड्स, कैपेसिटर है ना, तो करंट क्या करेगा? लीड करने वाला है यहाँ पे। ओके चलिए बच्चों, फटाफट इसको कॉपी कर लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सेम क्वेश्चन करना है आपको। 15 नंबर का ही डेटा रखना है, जहाँ पे आपका कैपेसिटेंस 10^-4 फैराडे था, रेजिस्टेंस था आपका 40 ओम, RMS वैल्यू, अब आपका वोल्टेज रखना है 110 और फ्रीक्वेंसी आपको बहुत खतरनाक रखना है, दैट इज 12 kHz। 12 kHz मतलब फ्रीक्वेंसी इज नाउ 12,000 Hz, राइट? और जिस तरह से इंडक्टर में किया था ना, सेम वैसा ही इंडक्टर में ऐसा किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो आपका इंडक्टर जो है उसका इम्पीडेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो करंट को आने ही नहीं देगा। अब कैपेसिटेंस के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद द कैपेसिटेंस। लेट्स फाइंड द मैक्सिमम करंट नाउ। तो मैक्सिमम करंट डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों √2 इंटू VRMS वोल्टेज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL की, XC की जगह क्या लिखेंगे 1/ωc², है ना? समझ सकते हो ना, आगे वाले में फॉर्मूला बनाया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। चलिए इसके सारे वैल्यू डालेंगे √2 इंटू 110, आर तो चेंज किया नहीं है, दैट इज 40 प्लस 1/, चलिए ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा इज 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इज 12,000, राइट? चलिए मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, दैट इज 24,000 इंटू 3.14, दिस इज 75360, दिस इज 75360 रेडियन पर सेकंड, दिस इज ओमेगा, राइट? लेट्स पुट इट हियर, ओमेगा इज 75360 एंड कैपेसिटेंस इज 10^-4 होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आने वाला है 3.9 एम्पीयर। You will get your answer of maximum current as 3.9 ampere.
राइट कितना आएगा बच्चों, मैक्सिमम करंट 3.9 एम्पीयर आएगा। चलिए फेस का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स फाइंड 10 phi बचेगा आपका एक्सी बाई आर, एक्सी की जगह रखोगे 1 बाई ओमेगा सी। चलो बच्चों ओमेगा कितना है आपका, ओमेगा तो बहुत खतरनाक है 75360, कैपेसिटेंस है 10^-4, रेसिस्टेंस है 40। तो ये जो आपका 10 phi का वैल्यू है ना बच्चों, ये आएगा आपका 1/96 pi। 10 phi का वैल्यू कितना आएगा बच्चों आपका 1/96 pi, और आप देख सकते हो ये वैल्यू कितना छोटा है। राइट दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज आपको 96 pi से डिवाइड करना है। लेट मी डू इट, 1/96 / pi। तो ये वैल्यू आपका खाली आ रहा है 10 phi इज 0.003317, एंड दिस फेस डिफरेंस इज वेरी 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 स्मॉल। तो दिस फेस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों फेस डिफरेंस इतना स्मॉल हो गया। बिकॉज फेस डिफरेंस एकदम स्मॉल है इसका मतलब होता है सर्किट इज नियरली रेसिस्टिव, बिकॉज रेजिस्टेंस वाले में फेस डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, यहाँ भी फेस डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। राइट तो क्या यहाँ पे कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहा है ना, बिकॉज अगर कैपेसिटर है तो करंट लीड करना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई लीडिंग ऐसा दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। हियर एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी आपका जो XC है ना इज नियरली इक्वल टू जीरो। वाई, बिकॉज XC होता है 1/ωc। XC क्या होता है 1/ωc, तो इफ दिस ओमेगा इज वेरी हाई XC इज वेरी स्मॉल। राइट वी कैन से XC इज नियरली इक्वल टू जीरो एट ओमेगा। ओमेगा कितना है आपका 75360 रेडियन। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो XC है वो काम ही नहीं कर रहा है। राइट मतलब आपका जो सर्किट है ना बच्चों, आपका जो सर्किट है यहाँ पे वो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा बिकॉज कैपेसिटर तो अपना काम ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो RC सर्किट होगा ना, जहाँ पे खाली R एंड C था, RC सर्किट बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव, बिहेव लाइक प्योरली रेजिस्टिव। राइट और अगर इसको आपने DC वोल्टेज लगाया तो क्या होगा पता है, अगर आपने DC वोल्टेज लगाया और कैपेसिटर है तो उसका ओमेगा कितना होगा, जीरो होगा। DC वोल्टेज है ना तो ओमेगा इज जीरो, ओमेगा जीरो है तो XC बहुत ज़्यादा होता है। राइट मतलब DC के साथ अगर कैपेसिटर लगाओगे तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, मतलब इट विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट कंडीशन। तो आप ये भी याद रखना बच्चों विद DC सप्लाई RC सर्किट जो होगा ना, कैपेसिटिव सर्किट बिहेव एज ओपन सर्किट कंडीशन, वो करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो चलिए मैं आपको दोनों न्यूमेरिकल को समराइज कर देता हूँ, एक आपका RL सर्किट एक आपका RC सर्किट। एट हाई फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुआ ना तो RL सर्किट बिहेव कर रहा था ओपन सर्किट की तरह हाई फ्रिक्वेंसी पे। राइट वो करंट को नहीं आने देगा, इंडक्टर अपोज करेगा करंट के चेंज को। और कैपेसिटिव सर्किट उसमें कैसे बिहेव कर रहा है, प्योर रेसिस्टिव। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये रहा, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो कैपेसिटर का तो कुछ रोल ही नहीं रह जाएगा, तो इट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव। ओके और अगर आप DC सप्लाई जोड़ोगे तो RL सर्किट जो है ना वो बिहेव करेगा प्योरली रेजिस्टिव, बिकॉज DC में इसको इंडक्टर को कोई लेना देना होता नहीं है। बट DC सप्लाई अगर आप कैपेसिटर को जोड़ोगे तो क्या होगा, एक बार करंट आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बाद सर्किट वो बंद कर देगा और करंट फ्लो नहीं होने देगा, सो इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों, अगले जो हमने चार न्यूमेरिकल किया ना पिछले, उसका समरी है इतना, ठीक है। ओके चलिए आई होप कि आप समझ पा रहे हो, अगर हाई फ्रिक्वेंसी है, करंट अगर बहुत स्पीड में वेरी हो रहा है तो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस EMF जनरेट होगा जो करंट को आने से रोक देगा, मतलब इट्स एन ओपन सर्किट। राइट और अगर DC का सप्लाई आ रहा है तो इंडक्टर तो बिहेव करेगा एज अ कॉइल, बिकॉज DC सप्लाई में इंडक्टर में कोई इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा, उसका कोई रेजिस्टेंस होने वाला नहीं है। अगर यही आपका कैपेसिटर है और आपने AC सप्लाई वोल्टेज दिया है कैपेसिटर को, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटर का रोल कम होता जाएगा। राइट और फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा, या अगर DC सप्लाई दिया तो एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद वो करंट को आने नहीं देगा। ओके चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली सब लोग फटाफट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 इट इज़, लेट मी चेक इट आउट, 17 है 18 है, कौन सा है ये,
ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 17, मैंने 11 लिख दिया गलती से क्योंकि डेटा 11 का लेना था। अब सवाल समझ लो, ऐसा कहा है कि आपके पास LCR सर्किट है बट व्हाट इट इज नॉट सीरीज, इट इज पैरेलल। अभी तक तो हम LC और R को सीरीज में ही डिस्कशन करते आ रहे थे। अब यहाँ पे आपका LCR जो है ना वो सीरीज नहीं है बच्चों, पैरेलल है। और आपको कंपोनेंट क्वेश्चन नंबर 11 के उठा के लेने थे, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, शो दैट द टोटल करंट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। अब इसको तो हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज सर्किट, फॉर LCR सीरीज सर्किट दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस के ऊपर आपका करंट तो मैक्सिमम होता है। अब यही फ्रीक्वेंसी अगर पैरेलल सर्किट को लगाया ना, तो आपको ये प्रूव करना है कि करंट कैसा होगा, मिनिमम होगा, समझे? राइट, ये जो आपका LCR AC सीरीज सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है सीरीज सर्किट में, अगर वही फ्रीक्वेंसी आपने पैरेलल सर्किट को लगाई तो आपका करंट मिनिमम हो जाएगा। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, करा दूंगा मैं आपको फाइंड, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और क्या पूछा है, ऑब्टेन द RMS करंट इन ईच ब्रांच एंड ऑल्सो द टोटल करंट, हो जाएगा, बैठा हूँ मैं आपके साथ, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अलग अलग बुक में सीधा आपको इसका फॉर्मूला दे दिया होगा, हम इसको थोड़ा सा डेरिवेट करेंगे। चलिए, दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सम सप्लाई वोल्टेज, AC वोल्टेज है आपका, लेट्स से इट इज V। अब पैरेलल में है तो सबको वोल्टेज तो सेम ही मिलने वाला है, ये तो बेसिक नॉलेज है आपका। पैरेलल में सबको वोल्टेज कैसा मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। चलिए मार्कर थोड़ा अलग करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब सबका करंट यहाँ पे अलग अलग होगा, लेट्स से यहाँ से करंट आ रहा है IC, यहाँ से करंंट आ रहा है IL, यहाँ से करंट आ रहा है IR और यहाँ पे गया आपका टोटल करंट I, है ना। पैरेलल है तो करंट आपका डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल में, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और वोल्टेज सबको मिलेगा सेम। अब मुझे इसका बनाना पड़ेगा एक फेजर डायग्राम, राइट, और उस फेजर डायग्राम में वोल्टेज सबका सेम है, तो मैं कैसे बनाऊंगा फेजर डायग्राम, ये देखना बच्चों, आप लोग देख रहे हो ना सब। चलिए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, वोल्टेज सबका सेम है तो मैं वोल्टेज को एक एक्सिस पर रख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द वोल्टेज V जो सबका सेम है। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका करंट सेम फेस में होता है, तो रेजिस्टेंस का करंट वोल्टेज के साथ ही होगा IR, राइट, ओके। चलो ये हो गया आपका IR, रेजिस्टेंस का करंट जो सेम फेस में होता है वोल्टेज के साथ। अभी इंडक्टर का जो करंट है ना वो लैग करता है, इंडक्टर का करंट क्या करता है, लीड के लैग करता है, तो इंडक्टर का करंट 90 डिग्री जितना लैग करता है तो पीछे होगा। इंडक्टर का जो करंट है वो क्या करता है बच्चों, लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय टू। और जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो लीड करता है ना करंट, सॉरी इट इज़ लीड द करंट। मैं चाहूँ तो सीधा फॉर्मूला भी दे सकता हूँ आपको, बट क्या मतलब उसका, फिर आपको समझ में आना चाहिए ना फॉर्मूला कहाँ से बना वो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इंडक्टर का करंट 90 डिग्री लैग करेगा, तो ये आपका वोल्टेज यहाँ पर है उससे लैग कराओ करंट को 90 डिग्री जितना, तो ये हो गया आपका करंट ऑफ इंडक्टर IL, राइट। और कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री जितना लीड करेगा वोल्टेज को, राइट, इट इज़ लीड द वोल्टेज बाय 90, तो वोल्टेज आपका यहाँ पर है 90 डिग्री लीड कराओ, दिस इज़ योर VC। क्या बचा लोगे आपका, VC है। अब आप देख सकते हो ये दोनों, सॉरी VC नहीं, IC, करंट के लिए फेजर है ना ये, तो ये आपका IC। वोल्टेज तो सबका सेम है, राइट, रेजिस्टेंस का करंट सेम फेस, इंडक्टर का करंट 90 डिग्री लैगिंग, कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीडिंग। अब ये दोनों आपके अपोजिट फेस में है, तो मान लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को कट करेंगे ना, तो सपोज आपका कुछ रिजल्टेंट इस तरह बन रहा है, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज IR, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों का जो आपका रिजल्टेंट है बच्चों, वो आपका ऐसा बना 90 डिग्री पे, एंड वी कैन कॉल इट एज IC - IL, और वी कैन कॉल इट एज IC - IL, दिख रहा है आपको, ओके, फाइन। अभी एक वो करंट का कंपोनेंट यहाँ पर है, एक करंट का कंपोनेंट यहाँ पर है, तो रिजल्टेंट करंट कहाँ पे होगा, तो यू कैन यूज द पाइथागोरस, दिस इज डेफिनेटली द रिजल्टेंट करंट। अब ये तो बनना भी नहीं है ऊपर है तो, ठीक है, आपके पास तो स्केल है, कोई नहीं, हमारे पास हमारे हाथ है ठाकुर। तो ये हो गया आपका टोटल करंट I, रिजल्टेंट करंट यू कैन कॉल, ओके। तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा रिजल्टेंट करंट I का स्क्वायर इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC - IL स्क्वायर, है कि नहीं। पाइथागोरस हाइपरटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड विच इज IR स्क्वायर, अनदर साइड विच इज दिस वन IC - IL का स्क्वायर। चलिए करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल करंट है तो इसको मैं लिखूंगा V बाय Z,
क्या लिखूंगा इसको मैं, V by Z, because total है ना, क्या करेंगे उसका square, ठीक है। चलिए यहाँ पे IR, तो उसको आप लिखोगे V by R, IC, V by XC, IL, V by XL, whole square। सब जगह पे I की जगह लिख दिया हमने, V by resistance, capacitance का resistance होता है, XC, inductor का होता है, XL, voltage सबका same है, सबका voltage cancel कर दो, तो ये बचा बचा आपका 1 by Z square is equal to 1 by R square plus 1 by XC minus XL whole square। तो आपको इम्पीडेंस Z क्या मिला, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल होल स्क्वायर मिला आपको इतना। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला बना बच्चों पैरेलल सर्किट के अंदर, ये आपका पैरेलल सर्किट में करंट का फॉर्मूला। देखो सीरीज में फॉर्मूला ऐसा आता है, सीरीज में आपका Z ऐसे आता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। पैरेलल में सब कुछ इन्वर्स हो जाएगा, देख लो ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, ये पूरा टर्म भी इनवर्स, राइट। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो उसको फेजर मेथड से, ठीक है ना, सिंपल सा था फेजर मेथड। चलिए अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको कितना रखना है, ओमेगा इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वी कैन राइट हियर एट ओमेगा इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज सर्किट दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC। तो जब ये आपका होता है ना फ्रीक्वेंसी, तब आपका XC एंड XL सेम हो जाता है। सो एट दिस सिचुएशन XC एंड XL आर सेम, है ना, बिकॉज सीरीज सर्किट में हम यही करते हैं कि XC XL जब सेम हो जाएगा तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है कि नहीं, है ना। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया था सीरीज वाले का, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका XC XL सेम है। तो यहाँ पे आपका XC और XL अगर सेम हो गया तो ये तो पूरा कट हो जाएगा, अगर ये पूरा पार्ट कट हो गया तो ये 1 बाई Z तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई Z के अंदर दो टर्म है। देखो 1 बाई Z में दो टर्म है, एक रेजिस्टेंस है और एक ये पूरा टर्म है। अगर XC XL सेम हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म ही उठ जाएगा आपका, ये टर्म उठ गया तो 1 बाई Z तो बेचारा मिनिमम हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर हियर हैंस योर 1 बाई Z बिकम मिनिमम। इफ योर 1 बाई Z बिकम मिनिमम, उसको इन्वर्स कर लो, तो जो आपका Z है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर बच्चों आपका Z मैक्सिमम हो गया तो करंट कैसा हो जाएगा, मिनिमम। हो गया प्रूफ, क्योंकि अगर Z मैक्सिमम है तो डेफिनेटली करंट कैसा हो जाएगा भाई, मिनिमम हो जाएगा। अगर Z मैक्सिमम है ना इम्पीडेंस, तो करंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मिनिमम, राइट। समझ गए आप, ओके। तो आपको ये पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इम्पीडेंस का, फिर आप ये लिख सकते हो कि वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीरीज का था जहाँ पे XC XL सेम है तो ये कट हो जाएगा। तो 1 बाई Z इज मिनिमम, देखो 1 बाई Z इज मिनिमम, तो Z इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। अगर Z मैक्सिमम हो जाएगा तो डेफिनेटली करंट इज गोइंग टू बी मिनिमम। चलिए अब कितना करंट सबको मिलना है वो हमें फाइंड करना है, बट उसके पहले आप इसको कॉपी करेंगे क्विकली। चलिए फाइंड करते हैं सबके अंदर RMS करंट कितना जाएगा। तो वी कैन राइट हियर RMS करंट, पहले IRMS ऑफ रेजिस्टेंस, IRMS फ्रॉम रेजिस्टेंस, अब स्टेटमेंट लिख देना RMS करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। तो करंट हो जाएगा आपका VRMS डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। VRMS आपको कितना दिया है यहाँ पे 230 और रेजिस्टेंस है आपका 40 ओम। चलिए बच्चों ये हो जाएगा आपका पहला जो है, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच इट इज 5.75 एम्पियर। चलिए फिर आपका IRMS फ्रॉम इंडक्टर, दैट इज़ VRMS डिवाइड बाई XL। इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है XL, एंड XL इज ओमेगा इंटू L। सो इट इज़ VRMS, ओमेगा रखेंगे 2πf इंटू L, और ये ओमेगा जो कीप इट ओमेगा ओनली, और ये ओमेगा आपको कौन सा रखना है, रेजोनेंस वाला रखना है। तो ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज हम पूरे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा पहले बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/√LC, राइट। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे ओमेगा, दैट इज 1/√L इज 5, सी इज 18 × 10⁻⁶। चलिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ओमेगा का वैल्यू बता देता हूँ आपको कितना आएगा वो, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट आगे वाले क्वेश्चन में से ही ले लिया है, ओके, नो इशू। ओमेगा इज गोइंग टू बी 50, दिस इज गोइंग टू बी 50 रेडियन पर सेकेंड। तो विल पुट इट हियर, यहाँ पे हम रखेंगे RMS वैल्यू है 230, ओमेगा रखना है आपको वहाँ से देखो 50 रेडियन पर सेकेंड, और इंडक्टेंस है आपका 5। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपका ये आंसर आएगा 0.92 एम्पियर। किसका है ये, IRMS ऑफ इंडक्टर। सिमिलरली IRMS ऑफ कैपेसिटर, दैट इज़ VRMS डिवाइड बाई XC। चलिए VRMS है 230 और XC होता है आपका 1 बाई ओमेगा सी ना, दैट इज़ 230। ओमेगा भी ऊपर आएगा, सी भी ऊपर आएगा। ओमेगा आपको रखना है 50 और कैपेसिटेंस है आपका 80 माइक्रो।
इसको सॉल्व करोगे ना तो ये करंट भी 0.92 एम्पियर आएगा। अब एक बात आपको यहाँ पे समझना है बच्चों, टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा, ये आपको समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। सो नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि पैरेलल कनेक्शन है ना, तो पैरेलल में तो हम क्या करेंगे, करंट को सबको ऐड कर देंगे, है ना। हम पैरेलल में क्या करते हैं, टोटल करंट तो हम सबको ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको सबको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका टोटल करंट रहेगा ना बच्चों, उसका हमने पहले से ही एक फेजर से फॉर्मूला बनाया था, हमने ये फेजर से फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पे टोटल करंट आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एल सॉरी आई सी माइनस आई एल होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने बनाया था करंट का, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना बच्चों, डायरेक्ट ऐड मत कर देना यहाँ पे, ओके, कि तीन ब्रांच है सब में पैरेलल करंट है, प्लस कर देते, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आई एल एंड आई सी दोनों अपोजिट फेस में है, राइट। एक दोनों को अपोज कर रहा है दोनों एक दूसरे को, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा टोटल करंट के लिए। तो आप देख लो बच्चों, आपका आई एल एंड आई सी दोनों सेम है, 0.92 0.92, क्योंकि रेजोनेंस सिचुएशन है ना, तो इट इज आई आर, आई आर कितना है, आई आर है आपका 5.75 स्क्वायर, ये भी है आपका 0.92, ये भी है आपका 0.92, ये दोनों कट हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट फेस में है, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना है बात। सीधा सीधा प्लस कर दिया तो तुम्हारे मार्क माइनस हो जाएंगे, फिर कहना मत। इट इज 5.75 एम्पियर, दिस इज द टोटल आरएमएस करंट इन द सर्किट, जो खाली रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करेगा, कैपेसिटर एंड इंडक्टर यहाँ पे कोई करंट कंज्यूम करने वाला नहीं है, ओके। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका एसी करंट के एडिशनल एक्सरसाइज का पहला पार्ट, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल है, राइट। ये आपका ऑलरेडी 50-60 मिनट का लेक्चर हो गया है, ओके। तो जो बाकी न्यूमेरिकल है, हमें टोटल 26 न्यूमेरिकल करने हैं, अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, है ना। तो और 7 न्यूमेरिकल बचे हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ओके। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप इतना खाली कंप्लीट कर लीजिए, मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में।